आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी खुशी देख रहे हैं आप, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और दोनों ने देख सकते हैं हाथ पाथ पकड़ा और बात बात की, तो बढ़िया अच्छा रिलेशनशिप है और दोनों की आजकल आइडियोलॉजी भी मिली रही है ना। तो फिलहाल ये है कि शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस, बहुत रिस्पेक्ट थे इस बंदे के लिए मुझे, मोहम्मद यूनुस के, ठीक है, बट वो दिन ब दिन घटती जा रही है, कम होती जा रही है। बहुत बढ़िया आदमी है ये, रीजनल रूरल बैंक्स इसने बनाया, इसमें बांग्लादेशियों को ताकत दी, लेकिन अब क्या कर रहा है, आज बांग्लादेश ने वार्निंग दी है इंडिया को कि आप जो है नवरात्र नहीं मनाएंगे बांग्लादेश में। 16 पॉइंट दिए हैं डिमांड और कोई कुछ नहीं कर रहा है। 1,30,00,000 हिंदुओं पे जब इतने अत्याचार हुए, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। मेरे ख्याल में अगर मोहम्मद यूनुस भारत के साथ आते बहुत बढ़िया रहता, लेकिन ये साफ दिख गया है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो हम बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अपने शानदार साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन कोर्स की, जिसकी क्लासेस परसों से शुरू होंगी। 280 रुपये का कोर्स है, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। शायद आज कूपन कोड भी खत्म हो जाएंगे, तो अट्रैक्शन कूपन कोड यूज़ करेंगे, 30% और ऑफ मिलेगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ही शानदार कोर्स आपको 29 सितंबर को शुरू हो रही है, यानी परसों से, और तभी से आपकी 6 महीने की वैलिडिटी काउंट होगी, 20 घंटे का ये सेशन है। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। हुआ ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है, सारे देश जो है वो यूनाइटेड नेशन को अटेंड करने के लिए आए हैं, वहां बोलेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, क्वाड समिट उन्होंने की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहां पे शहबाज शरीफ, मोहम्मद यूनुस साथ में आए, मुलाकात की 25 सितंबर को, और उन्होंने काफी कुछ बातें की हैं। सार्क रिवाइवल की बात की है, ओहो क्या बात है, सार्क को रिवाइव करिए इस पे बात हुई है, आर्थिक स्थिति पे बात हुई है, आर्थिक मदद पे बात हुई है। लेकिन अब वही है कि सार्क बिना भारत के क्या ऐसा होगा। इंडिया ने सार्क को छोड़ा, सार्क डेड है, सार्क ऑफिशियली डेड है, क्योंकि इंडिया लेफ्ट। क्यों? 2016 में जो हमारा उरी अटैक हुआ, जिस तरीके से आपने हमले किए, जिस तरीके से आपने बदतमीजियां की हैं, तब से भारत ने सार्क से दूरियां बना ली हैं। भारत 2022 में पाकिस्तान ने बोला महाराज वर्चुअली आओगे, भारत ने बोला निकल, पहली फुर्सत में निकल, नहीं आएंगे। पहले एस जयशंकर ने भी बोला है कि रात में आतंकवाद और दिन में ट्रेड, ऐसा तो होगा नहीं, दिन में पैसे छापो और उसी पैसे से तुम रात में आतंकवादियों को हमारे यहाँ छोड़ दो, तो हम क्या पागल लगते हैं तुमको, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ में आते हुए दिख रहे हैं। नो वंडर शेख हसीना के जाने में सबसे बड़ा हाथ जो था ना, वो पाकिस्तान का ही था, है ना। जमात को पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट है, लेकिन बांग्लादेश भूल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज शायद बांग्लादेश पाकिस्तान साथ में कहीं ना आ जाए, है ना, ऐसा होगा नहीं। क्या प्रॉब्लम है पता है? मोहम्मद यूनुस को तो पता होना चाहिए, 1947 के बाद ने पाकिस्तान ने वो टॉर्चर करना शुरू किया बंगालियों का, बांग्लादेशियों का, जो पाकिस्तान वहां पे बांग्लादेश में रहते हैं, कि ये कभी उबर नहीं पाए। इनको सेकेंड और थर्ड क्लास सिटीजन जो है ऐसे ट्रीट किया गया, इनके सारे रिसोर्सेस ले जाते थे, इनको कुछ नहीं देते थे। हालात इतने बुरे हो गए थे, अपनी उर्दू तक इन पे थोप दी थी, इतने बुरे हो गए, वैसे उर्दू भारत से निकली आपको ये बता दूं, इतने बुरे हो गए थे कि एक वक्त दो वक्त का खाना मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तब शेख मुजीबुर रहमान आए, उन्होंने बीड़ा उठाया बांग्लादेशियों का, उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, ईस्ट पाकिस्तान को उसका हक मिलना चाहिए, इलेक्शन लड़े। अयूब खान ने स्टेप डाउन किया, इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान जीते। बदले में 1970 में क्या हुआ? ऑपरेशन सर्च राइट, ढाका यूनिवर्सिटी में कितनों को मार दिया। 1971 में जो जेनोसाइड हुआ ना बांग्लादेशियों का, आप पढ़िएगा किताबें, आप पढ़िएगा टेस्टिमनीज, आपकी रूह कांप जाएगी। नस्ल मिटाना चाहते थे, ऐसी कोई मतलब समझिए कि 1-2 लाख औरतों का बलात्कार किया, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड पता नहीं कितने, पूरी नस्ल मिटाना चाहते थे। ये नस्ल बदल देंगे, अपना बच्चा मतलब तुम्हारी नस्ल ही नहीं रहेगी, ऐसा कुछ करना चाह रहे थे पाकिस्तानी। पागलपन की हदें पार सारी करती थी, ठीक है। तब फिर भारत से मदद मांगी थी और भारत ने मदद की थी, तब जाके बांग्लादेश बना था। इन लोगों को इसलिए नहीं पता है क्योंकि इन्होंने वो चीज झेली नहीं, आज की जो जनरेशन है, ठीक है, इनको पता नहीं है कि कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, कितनी सैक्रिफाइसेस दिए गए हैं। इनको लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो सब बढ़िया होगा। पाकिस्तान अब पहले खुद को बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। आज ही दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने
पाकिस्तान को लोन, ये जो प्रोग्राम है लोन प्रोग्राम, बड़ी मुश्किल से आईएमएफ माना है। पाकिस्तान 24वीं बार जो है आईएमएफ से पैसे ले रहा है, कह रहे आखिरी बार होगा। खुद उनका 9 बिलियन डॉलर पे फॉरेन रिजर्व है, बड़ी मुश्किल से 38% से 7% पे ये इन्फ्लेशन लेके आए। वहां के लोग परेशान है कि टैक्स बढ़ा दिए, खुद एक फूटी कौड़ी पाकिस्तान के पास, वो खुद कर्जे पे जी रहा है। 130 बिलियन डॉलर का उनके पास कर्ज है, 77% डेट टू जीडीपी रेशियो है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, और मोहम्मद यूनिस तो एक इकोनॉमिस्ट है, इनको तो समझना चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं रहे। ठीक है, मिलना जुलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहां पे बोला है कि सार्क को रिवाइव करते हैं, है ना, और जिस तरीके से पाकिस्तान के गुणगान किए जा रहे हैं, अभी वहां के प्रोफेसर साहब जो कि काफी मिलिट्री मीटिंग्स में दिखते हैं, बड़े तकरीरें करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर, हमको पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए, हमको पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए, ताकि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, मतलब हमारे पास, हम तो न्यूक्लियर पावर नेशन है नहीं, पाकिस्तान है, वो हमको प्रोटेक्शन दे सके। ऐसी बातें हो रही हैं, तो वही मैं बता रहा हूं ना कि जिस तरीके से पाकिस्तान, उस बांग्लादेश का हश्र और बुरा हो सकता है। शेख हसीना में भाई उन्होंने इकोनॉमिकली डेवलप किया, ये मैं मानता हूं कि शेख हसीना की बहुत बड़ी गलतियां थी, लेकिन एक टेक्सटाइल हब बनाया। जारा का कपड़ा आप बाहर से खरीदेंगे कितने का, 15-20 हजार का, मेड इन बांग्लादेश लिखा होगा वहां पे। वहां का कपड़ा बहुत ज्यादा, भारत में भी मार्केट है, पूरी दुनिया भर में ये कंपनीज जो है बांग्लादेश का सिल्क कॉटन ये सब लेते हैं, लेकिन आज वो एकदम निचले स्तर पे चला गया है। देश यहां पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमेरिका को यही चाहिए था। मैंने क्या बताया कि अमेरिका इज डेंजरस कंट्री, अमेरिका को तो बांग्लादेश में बेस चाहिए ही था, और अब आईएमएफ ने पैसे भी दे दिए हैं, तो भाई अमेरिका ने एक तरीके से पाकिस्तान की मदद भी कर दी, और पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका ये सब करवा सकता है, भारत के लिए चिंता का विषय है गुरु, ठीक है ना। तो बांग्लादेश कह रहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमको सपोर्ट करे, ताकि सार्क जो है वो रिवाइव किया जा सके। ठीक है, ये इस तरीके की बातें जो है वो की, और 2016 में जो उरी अटैक हुआ उसके बाद फिर हमने कभी भी सार्क में कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क 1985 में बना था। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 8 देशों का बेसिकली समूह है, ठीक है ना, भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो सब में इसमें आता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, राइट, अपनी MBBS आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन अब वही है कि यहाँ पे जब से भारत में हमला हुआ तब से इंडिया ने कहा ना हम नहीं अटेंड करेंगे, इसके बाद सार्क समिट, लेकिन भारत ने कभी अटेंड नहीं की। भारत ने बिम्स्टेक बना लिया, उसमें पाकिस्तान नहीं था, भारत क्वाड पे गया, इनफैक्ट SCO में भी भारत रहा, लेकिन वही बता रहे कि सार्क को भारत ने दोबारा छुआ नहीं। भारत को ये, भारत ने यही बोला कि हम करेंगे ही नहीं तुम्हारे साथ मीटिंग, पहले इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ठीक है ना। तो एस जयशंकर ने तो खूब खड़ी खोटी सुनाई है यहाँ पे, है ना, वॉयलेंस अगेंस्ट अदर मेंबर्स आप कर रहे हो, हिंसा दूसरों के लिए कर रहे हो, और उसके बाद कैसे हो सकता है आप बता दीजिए। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने भी विड्रॉ कर लिया था 2000, जैसे ही भारत ने विड्रॉ किया बांग्लादेश ने भी विड्रॉ कर लिया था 2016 के बाद से। इसीलिए मोहम्मद यूनिस कह रहे हैं शहबाज शरीफ से कि रिवाइव करते हैं, कोई बात नहीं, शेख हसीना तो अब निकल गई, रिवाइव करते हैं हम, क्या ही प्रॉब्लम है। और शेख अब तो मोहम्मद यूनिस ने तो ये मान भी लिया है कि सोची समझी साजिश के तहत हमने शेख हसीना को बाहर निकाला था, ठीक है। बट इसमें मैं बता तो रहा हूं, अभी देखिए मोहम्मद यूनिस का स्टेटस क्या है, स्टैंड क्या, वही नहीं क्लियर है। इकोनॉमिक एडवाइजर यानी चीफ एडवाइजर क्या होता है भाई, तो लीडर कौन है, आर्मी बोल दो सीधा सीधा, क्या होता है चीफ एडवाइजर, PM हो, प्रेसिडेंट हो, नोबडी नोस। इलेक्शन होंगे, कौन जीतेगा भाई, जाहिर सी बात है BNP ही जीतेगी, जिस जो प्लेटफॉर्म, अब आप जिन्होंने इसको बांग्लादेश कहते ना कि एक नई क्रांति, उसको लीड किया वो लोग कहां है, हिंसा हद से ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आए दिन कट्टरता बढ़ती जा रही है, तो फिर कौन देखेगा ये, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं यूनिस ने कहा कि सार्क जो है वो यूरोपियन यूनियन की तरह हो सकता है, हम एक दूसरे से के साथ काम करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट्स, कैसा म्यूचुअल बेनिफिट, श्रीलंका बैंकरप्ट, नेपाल के हालात बहुत खराब, पाकिस्तान में आतंकवाद, और पाकिस्तान की भी हालत एकदम बैंकरप्ट, बांग्लादेश की हालत वही वही अगले 1-2 साल में ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना, जितने भी अफगानिस्तान में अब तालिबान है, तो आप कौन से म्यूचुअल कॉपरेशन की बात कर रहे हो, कैसा म्यूचुअल, कोई आतंकवादी सार्क को क्या कोई ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या बनाने की कोशिश की जा रही है कि रिवाइव करना है, विदाउट इंडिया ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। पाकिस्तान ने भी बोला, अनवर उल हक ने कहा कि हम चाहते हैं कि सार्क जो है वो रिवाइव हो, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो कमिटमेंट है वो बढ़िया हो।
अब बांग्लादेश और पाकिस्तान इसीलिए चाहते हैं क्योंकि जैसे अब आईएमएफ ने पैसा दिया है, दे दिया है, आईएमएफ ने हामी भर दी है, अब पाकिस्तान को फिर से पैसा मिलेगा, तो एवरीवन वांट्स, भाई इस समय बांग्लादेश भी यही चाह रहा है, भारत ने भी बांग्लादेश की काफ़ी मदद की है डिस्पाइट इतने डिफरेंसेज हैं, इतना कुछ हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारा भाई, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, बड़ी टेंशन की बात है, बट इतना कुछ हो रहा है, पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के पास जा रहा है, दोनों काफ़ी एक दूसरे के प्रति बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का चयन कर रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को देखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या वापस तो नहीं कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान से जुड़ जाएगा? हाईली नामुमकिन है ये। अगर ऐसा होता है तो इस बार तो बांग्लादेश ख़त्म ही हो जाएगा पूरा, ठीक है ना? बट ये भारत के लिए चिंताजनक है, राइट, कि इतना ज़्यादा करीब आना सही नहीं है, इनके देश के लोगों के लिए भी ये दिक्कत पैदा करेगा। तो बाकी जो है सो है। थैंक यू सो मच।